सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कहा जाता है कि आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। जो कल करना है उसे आज कीजिए और जो आज करना है उसे अभी पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि अगले पल जीवन में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, और यदि ऐसा होता है तो जीवन के बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए समय के महत्व को पहचाने और इसे जानने के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार, विशाखा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हीरा परखे जौहरी, शब्द ही परखे साध। जिस तरह हीरे की परख एक जौहरी को होती है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने शब्दों की परख रखता है, यानी वो क्या बोल रहा है इसकी समझ रखता है, वास्तव में वही विवेकी है और सज्जन पुरुष है। क्योंकि शब्द बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और विशेष तौर पर अगर बात की जाए सकारात्मक शब्दों की, तो वो जीवन को ऊर्जा से भर देते हैं। दिवसे नैव तत्कुर्यात्, येन रात्रौ सुखं वसेत्, यावत् जीवं च तत्कुर्यात्, येन प्रेत्य सुखं वसेत्। दिन भर ऐसा काम करना चाहिए जिसे रात में चैन की नींद आ सके। वैसे ही जीवन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले, अर्थात सद्गति प्राप्त हो। One should perform such actions throughout the day that one may sleep peacefully in the night. Similarly, one must perform such acts throughout life that one may pass off from this world peacefully and contented. भारतीय दर्शन परंपरा अत्यंत समृद्ध है। वैसे तो भारतीय दर्शन में कुल 6 दर्शन हैं, लेकिन उनमें से वेदांत को शिरोमणि माना गया है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की ये विशेष रिपोर्ट। वैदिक परंपरा, सनातन संस्कृति और ज्ञान का अद्भुत प्रवाह प्राणी मात्र के लिए अमूल्य धरोहर है। उन आचार्यों का अनुपम अवदान है जिन्होंने अथक परिश्रम व तपश्चर्या से इस ज्ञान को ग्रंथों में अभिनिविष्ट किया। ग्रंथों की रचना एवं भाष्यों के द्वारा आचार्यों ने गूढ़ तत्वों, रहस्यों को जिज्ञासुओं के समक्ष उद्घाटित किया। प्रस्थान त्रयी भारतीय परंपरा में वेदांत दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भगवद गीता ये ग्रंथ आते हैं। इन्हीं ग्रंथों पर भाष्य की रचना कर किसी दर्शन या संप्रदाय द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की जाती है। इसी क्रम में आता है स्वामी नारायण संप्रदाय, जिसके द्वारा परंपरा में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की प्रतिष्ठा की गई। स्वामीनारायण संप्रदाय एक
वैदिक सनातन धर्म का संप्रदाय है। वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र आदि वैदिक शास्त्रों के आधार पर इस संप्रदाय में सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है। इस संप्रदाय के दार्शनिक तत्वज्ञान को अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहते हैं। भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत, गुणातीत गुरुओं के उपदेशों द्वारा इस दर्शन का निरूपण किया जाता है। वेदांत भाष्य परंपरा में सबसे पहले आचार्य शंकर हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रतिष्ठापित करते हुए शंकर भाष्य की रचना की, तथा विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना की। मध्वाचार्य ने द्वैत दर्शन के अनुरूप पूर्ण प्रज्ञ भाष्य व निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत दर्शन में वेदांत पारिजात भाष्य लिखा। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तकाचार्य वल्लभ ने अणुभाष्य एवं अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के प्रवर्तक श्री बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य की रचना की। इसी क्रम में वर्षों बाद अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के अनुसार स्वामी नारायण भाष्य की रचना महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास द्वारा की गई। It fits exactly what a bhashya should be. संभवतः आज के युग में यह प्रथम कार्य है। भगवान स्वामीनारायण के अक्षर पुरुषोत्तम विषयक सिद्धांत को आधार बनाकर संत परंपरा के अनुग्रह से इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की स्थापना हुई। भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से यह विशेष योगदान है। भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से स्वामीनारायण संप्रदाय का यह एक बहुत बड़ा विशिष्ट योगदान है। उसमें भी खासकर हमारे प्रसिद्ध 10 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्रों के आधार पर इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रस्थापन प्रतिपादन किया जाता है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से इस प्रस्थान त्रयी पर स्वामीनारायण भाष्य की रचना की गई और भारतीय ज्ञान परंपरा में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को प्रस्थापित किया गया है। इस दर्शन के अनुसार प्राणी को अक्षर बताते हुए परम तत्व पर ब्रह्म का सेवक माना गया है। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता आदि वैदिक ग्रंथों में भी अक्षर पुरुषोत्तम विषयक उद्धरण उपलब्ध होते हैं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, मैं अक्षर हूँ और पुरुषोत्तम का दास हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, इस विशिष्ट सिद्धांत का इस दर्शन में प्रतिपादन हुआ है। जैसे भगवद गीता में कहा, यस्मत् क्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान क्षर और अक्षर से भी परे हैं और उसकी हमें भक्ति करनी है, इस प्रकार इस दर्शन में प्रतिपादन हुआ। मुंडक उपनिषद जैसी श्रुतियों में भी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को प्रतिपादित किया जाता है। जैसे मुंडक उपनिषद में कहा, अक्षरात् परतः परः, भगवान पर ऐसे अक्षर से भी परे है, इसलिए भगवान को परात्पर कहते हैं। एक विशिष्ट तत्व मीमांसा, एक विशिष्ट मुक्ति मीमांसा, विशिष्ट ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, सृष्टि मीमांसा को लेकर इस दर्शन में प्रतिपादन हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध एवं परिपुष्ट करता स्वामीनारायण भाष्य इसलिए भी विशिष्ट हो जाता है क्योंकि इसी के प्रणेता आचार्य भद्रेश दास स्वामी द्वारा प्रस्थान त्रयी भाष्य के साथ साथ स्वामीनारायण संप्रदाय का वादक ग्रंथ स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा भी प्रस्तुत कर दिया गया, जो कि अपने आप में इतिहास बन गया। अतः यह कहा जाता है कि स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा को संपोषित, संवर्धित एवं संप्रेरित करता हुआ भारतीय दर्शन परंपरा का
अभिनव दर्शन है। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। ज्ञान दर्शन जीवन को सशक्त बनाने में उपयोगी है, ठीक उसी प्रकार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का आधार बनती है। प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत होना आवश्यक है, यदि इसमें कमी आती है तो बहुत सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हमारे आसपास कई तरह के रोगाणु और जीवाणु होते हैं, यदि उनसे अपना बचाव करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारा कवच अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। कैसे की जा सकती है अपनी रोग प्रतिरक्षा की रक्षा और कैसे बनाया जा सकता है उसको सशक्त, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेहतर जीवन के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। रोगों से बचाव हो तभी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। इसके अलावा ये शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कोशिकाओं से अलग करने का कार्य करता है, जिससे शरीर पर वायरस या किसी अन्य जीवाणु या विषाणु का असर नहीं होता या उस पर हावी होने से पहले काफी समय तक रोकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आवश्यक है स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए, शरीर की मजबूती के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। गंभीर बीमारियों से बचाव में सहायक होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, साथ ही कोई रोग या बीमारी होने पर उससे लड़ने में भी उपयोगी होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ही स्ट्रांग नहीं है, तो आपका शरीर रोगों से नहीं लड़ पाता है और रोग हमें घेरते चले जाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, ताकि आप विभिन्न रोगों से, विभिन्न इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता अपने भीतर जागृत कर सकें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रख के, दैनिक योगाभ्यास से और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से। सबसे पहली चीज, अपने आहार में प्रकृति से प्राप्त भोजन का सेवन करें, यानी पैक्ड फूड, विशेष रूप से फ्राइड फूड और शुगर, व्हाइट शुगर से बने हुए फूड से दूर रहें। यानी जो भी भोजन एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है उसे थोड़ा सा होल्ड कीजिए थोड़ा समय, और क्या लेना है जो प्रकृति के सानिध्य में यानी जमीन में उग रहा है, सूर्य की रोशनी में उग रहा है, जिसमें फाइव हमारे जो पांचों तत्व है, फाइव एलिमेंट्स, उनका समावेश है, उस भोजन को ग्रहण करें। रात्रि में 7 बजे तक अपना डिनर जरूर कर लें। प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर को बीमारियों, संक्रमण और वायरस आदि से लड़ने में सहायता करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की शक्ति है जो व्यक्ति को सेहतमंद रखने में सहायक होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चिंताजनक होता है। किसी भी अन्य समस्या की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना कुछ लक्षण उत्पन्न करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होता है, पेट संबंधी परेशानियां रहती है, चोट लगने पर उसके ठीक होने में समय लगता है, बार बार संक्रमण हो रहे हैं, कमजोरी महसूस होती है या तनाव रहता है, तो ये कमजोर प्रतिरोधक क्षमता का लक्षण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में ऐसे लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता बीमारी के खतरे को बढ़ाती है, साथ ही कोई संक्रमण या बीमारी होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। किसी भी अन्य समस्या की तरह अपनी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एम्पल स्लीप लें, यानी समय से सोएं, समय से जगें। यदि हम योगाभ्यास की बात करें तो उसमें विशेष रूप से आपको प्राणायाम का अभ्यास इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो सूर्य,
आत्मा जगतस्थस्तुश्च स्वाहा, सूर्य के लिए कहा गया, और प्रत्यक्ष देवता है, तो 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर जरूर लें। दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसे, यानी सीने को ढीला छोड़ दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए, और मुक्त हास सिर्फ इतना भी यदि आप दिन में 5 बार कर लेते हैं, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में बेहतर तरीके से होने लगेगा, आप खूबसूरत दिखेंगे और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपनी डाइट में हल्दी को जरूर ऐड करें, अदरक को जरूर ऐड करें, तुलसी को जरूर ऐड करें। तुलसी और हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम भी करती हैं। और अपनी डाइट में जितना हो सके उतना लिक्विड्स, विशेष रूप से जल का सेवन जरूर करें। खुश रहें। हमारे जीवन शैली, खान पान, शारीरिक श्रम, तनाव और कुछ अन्य कारक हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं। यदि आप रोगों से दूर रहना चाहते हैं, संक्रमण से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर आप बीमारियों से बच सकते हैं और बेहतर स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किसी व्यक्ति को समझने के लिए कई बार भाषा की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति का व्यवहार ही बहुत कुछ बता देता है। ठीक उसी तरह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है, उसकी पहचान आप कर सकते हैं। और आवश्यक है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के उपाय किए जाए, जिससे आपका स्वास्थ्य बरकरार रहे, क्योंकि स्वस्थ रहना एक दिन का कार्य नहीं, इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं, कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना। हाँ, तो चेक किया, मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारी जीवन शैली कैसी है, हम कैसा आहार लेते हैं, इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य को यदि बेहतर बनाना है तो इसका महामंत्र है योग। योग के माध्यम से न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल की जीवन शैली में हमारे पोस्चर्स काफी खराब हो गए हैं, लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं, कुछ लोग व्यायाम नहीं करते, इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर और विशेष तौर पर कंधों पर पड़ता है। तो किस तरह की योगिक क्रियाएं आपके कंधों को बेहतर रखने में सहायक हो सकती हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम बात करेंगे 2 आसनों के बारे में, जिनके नियमित अभ्यास से आप अपने कंधों को झुकने और गोल होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। तो जानते हैं कौन से हैं वो 2 आसन। पहला है पश्चिम नमस्ते, जिसमें आप सुखासन में इस प्रकार बैठ जाएंगे और आप अपने हाथों को धीरे से पीछे से नमस्ते की मुद्रा में ले जाएंगे। इस प्रकार स्थिति में कुछ सेकंड के लिए बने रहे, 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए नियमित अभ्यास जरूर करें इसका। आंखें बंद कीजिए, सांस लेते रहे, धीरे से अपने हाथों को पूर्व स्थिति में ले आए। इसका अभ्यास कम से कम 4 बार करें और रोज करें। दूसरा है सेतु बंधासन, जिसके लिए आपको लेटना होगा। इस प्रकार लेट जाए पीठ के बल, अपने पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए, पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस बनाएं, अपने हाथों को इस प्रकार टिकाएं और धीरे से सांस लेते हुए इस स्थिति में आ जाए। अपने कंधों को, बैक को, लोअर बैक को, कमर को
जंघा को ऊपर की तरफ पुश कीजिए, कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। इसका अभ्यास 4 से 6 बार जरूर कीजिए रोजाना। धीरे से घूमिए और पूर्व स्थिति में आ जाए। तो इन दोनों आसनों का नियमित अभ्यास करते रहे और अपने कंधों को झुकने से गोल होने से रोकिए। और अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो हम जानेंगे हमारी गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। आगे झुककर चलना, आगे झुककर रहना लंबे समय, ये गलत होगा। इससे हमारे पाचन शक्ति और हर जगह परिणाम गलत होगा, सांस भी हम पूरा नहीं ले सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अमुक चीजें रेगुलर करें। एक तो दीवार के सहारे अपने आप को सटा दें और सीधे खड़े रहें, हाथ को ऊपर ले जाके सीधे थोड़ी देर खड़े रहें, 2 मिनट 5 मिनट। उसी तरह कुर्सी पर पीछे तक बैठे, सीधे पीठ को सहारा देते हुए, ऐसा आगे झुककर कंप्यूटर पे काम करने की जगह सीधे रहकर गर्दन को थोड़ा नीचे कर काम करें। गर्दन की एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें और पीछे नमस्ते करने की आदत भी डालें। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और वहां नमस्ते करें, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होगी। उसी तरह शोल्डर को पीछे रख के हाथ पीछे पकड़कर और चले, वो बहुत अच्छा रहेगा। और रोटेशन ऑफ शोल्डर, रोटेशन ऑफ नेक, ये सब एक्सरसाइज रेगुलर करें, बहुत ही सही तरीके से आपकी पीठ सीधी हो जाएगी और आप सुंदर दिखेंगे, कॉन्फिडेंट दिखेंगे। नमस्कार। शिक्षण जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जो व्यक्ति लगातार जीवन में कुछ नया सीखता रहता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आज संस्कृत पाठशाला में आइए देख लेते हैं एक और विशेष तत्व, जिसे जानकर आप संस्कृत के प्रयोग में और अधिक दक्ष बन सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमः संस्कृत प्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः, संस्कृत पाठशालायाः अद्यतन कक्षायां स्वागतम अस्तु। अहम अस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की पाठशाला में हमने जाना था कि कैसे हम ड इस अक्षर के उच्चारण में अशुद्धि कर जाते हैं और ड को ड और कभी कभी तो ड को ण इस रूप में बोलने और लिख जाने तक की गलती कर बैठते हैं। आज ऐसे ही एक और अक्षर के बारे में जान लेते हैं, जिसके उच्चारण और लेखन में असावधानी वश संस्कृत में हम अशुद्धि कर जाते हैं, और वह अक्षर है ढ, जिसका अशुद्ध उच्चारण और लेखन हमसे यानी संस्कृत के ज्ञाताओं और प्रयोक्ताओं से भी कभी कभी हो जाया करता है। पर हमें सर्वथा शुद्ध उच्चारण या वाचन और लेखन पर ध्यान केंद्रित रखना होता है। तो आइए जान लेते हैं कुछ शब्दों को जहां ढ इस अक्षर का प्रयोग हम देखते हैं, ताकि उन प्रयोगों में होने वाली अशुद्धियों या गलतियों से रख सकें हम स्वयं को दूर। हम सभी एक शब्द विशेष का प्रयोग करते हैं, वह शब्द है दृढ़, जिसका विशेषण के रूप में तो हम खूब प्रयोग किया करते हैं, जैसे दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, दृढ़ कथन। पर हम अक्सर कहते हैं दृढ़, दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, दृढ़ कथन आदि आदि। यानी हम ढ इस अक्षर का उच्चारण ढ इस रूप में किया करते हैं, और संस्कृत के संस्कृतत्व पर यानी जो लिखा है वही पढ़ा जाना चाहिए, इस सिद्धांत का हम अनुपालन नहीं कर पाते, क्योंकि हम हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं के उच्चारण व लेखन का कर लेते हैं अनुकरण। और हमें यह जान लेना चाहिए कि दृढ़ यह शब्द मूलतः संस्कृत शब्द ही है, अतः इसका उच्चारण दृढ़ न होकर दृढ़ इस रूप में ही किया जाना चाहिए। ऐसे ही शब्द है रूढ़ या आरूढ़, जिसे हम बोल और लिख जाया करते हैं रूढ़ और आरूढ़ के रूप में। आइए कुछ और उदाहरणों पर कर लेते हैं दृष्टिपात और जान लेते हैं कि हम कैसे अशुद्ध उच्चारण व लेखन उन शब्दों का भी कर जाया करते हैं। कुछ शब्द हैं मूढ़, विमूढ़ और किं कर्तव्य विमूढ़। किं कर्तव्य विमूढ़ अर्थात क्या करें क्या न करें, इस विषय पर जब बुद्धि काम न करे, ऐसी दशा वाला मनुष्य। तो हम इन शब्दों के उच्चारण व लेखन इस तरह किया करते हैं मूढ़, विमूढ़ और किं कर्तव्य विमूढ़। ऐसा ही एक और शब्द है संस्कृत के दृष्टि से विशेष, ऊढ़ अर्थात जिस लड़के का विवाह हो चुका हो,
इसके उच्चारण में भी इसी ढ को ढ बोलने और लिखने की दुष्प्रवृत्ति हमें दिख जाती है। यानी ऊढ़ कहना हो तो हम बोल और लिख जाते हैं ऊढ़। और तो हमने जाना कि ऊढ़ इस शब्द का प्रयोग हमें नहीं है करना, क्योंकि यह है अशुद्ध। ऐसे ही एक शब्द है ऊढ़ा, अर्थात जिस लड़की का विवाह हो चुका हो, तो इस शब्द का उच्चारण भी ऊढ़ा नहीं करना है, यह रखें हम विशेष रूप से ध्यान। तो संस्कृत की कक्षा में, संस्कृत उच्चारण की कक्षा में आज के लिए इतना ही। हम अगले दिन पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष किसी और विषय को लेकर। तावत् अनुज्ञापयन्तु भवन्तः माम् पुनरागमनाय। नमो नमः। अभ्यास करने से कुशलता आती है और आस्था से जीवन को बल मिलता है। राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी राम कर्ण कर्ण में है, हर उस व्यक्ति के मन में है जो मर्यादा का पालन करता है, चाहे फिर वो किसी भी पंथ मत या संप्रदाय का हो। आइए मिलवाते हैं ऐसे ही व्यक्ति से जो आस्था के एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राज्यों दरेक जिलों में एक एक भगवत गीता केंद्र उभू करो। अभी आप सुन रहे थे रांदेर इलाके के रहने वाले 69 वर्षीय राम भक्त मोहम्मद सुलेमान को। सुलेमान के घर में धार्मिक पुस्तकों का संग्रह देखा जा सकता है। उनके घर में कुरान के अलावा उर्दू में अनुवादित रामायण और श्रीमद् भगवत गीता भी है। मोहम्मद सुलेमान रोजाना रामायण और भगवत गीता को पढ़ते हैं। आज भले ही सुलेमान की आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, पर ज्ञान अर्जन का हौसला नहीं, इसलिए सुलेमान बिलौरी ग्लास लेकर भी रामायण का पाठ करते हैं। मैंने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ उर्दू और गुजराती में किया है। मेरे पास भगवत गीता, रामायण और कुरान, ये सभी पुस्तकें हैं। मैं हर दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता हूँ और मैंने न सिर्फ इसे अपने जीवन में उतारा है, बल्कि मैं औरों को भी इसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता हूँ। मोहम्मद सुलेमान ने अपनी 69 वर्ष की आयु में संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को न केवल 50 से अधिक बार पढ़ा है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारा भी है। राम और कृष्ण सबके हैं, इसी आस्था और कौमी एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है मोहम्मद सुलेमान। सूरत से अजा शेख की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन में आस्था एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, जीवन को सशक्त बनाती है। और वैसे कहा भी जाता है उन लोगों से जो जीवन में आने वाले कल को लेकर चिंतित रहते हैं कि मेहनत का फल, समस्या का हल और आने वाला कल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अगर अपेक्षा करनी है तो संसार से नहीं, संसार वासियों से नहीं, बल्कि उससे की जानी चाहिए जिसने संसार बनाया है। अपने प्रयत्न करते रहिए और किस तरह से उसका फल आपको मिलेगा और क्या परिणाम होगा, ये आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। मेहनत करते रहना आवश्यक है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।